अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, सैमसंग लॉन्च करने जा रहा है अपने ब्रांड का सस्ता तरीन 5G स्मार्टफोन जो कि लॉन्च होने जा रहा है इस साल नवंबर में या नेक्स्ट ईयर। इससे पहले सैमसंग ने लॉन्च किया था A22 और A12 जो कि रिलीज हुए थे लास्ट ईयर। उसकी जो प्राइस थी वो ऑलमोस्ट 236 यूरो थी और ये एक्सपेक्टेड है कि इस स्मार्टफोन की प्राइस 200 यूरो से कम होगी। और आइए चलते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इसके एंड्रॉयड वर्जन के बारे में बात करते हैं, ये है 11OS और कलर्स के वाले से बात करते हैं। उसमें जो कलर सैमसंग देने जा रहा है वो है वाइट, ब्लैक, ब्लू और रेड। वाइट ब्लैक ये बहुत कॉमन कलर हो गए हैं, बहुत ज़्यादा लोगों ने यूज़ किए हैं और मैक्सिमम जो कलर चलते हैं वो वाइट ब्लैक चलते हैं, लेकिन जो रेड कलर है वो डिफरेंट कलर हो जाएगा, बहुत ज़बरदस्त कलर होगा और न्यू कलर होगा। उसके बाद अगर हम बात करें इसके सीपीयू के वाले से तो इसमें होगा ऑक्टा कोर 2.35 का प्रोसेसर, और अगर जीपीयू के वाले से बात की जाए, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट के वाले से बात की जाए तो वो होगा मीडिया टेक हेलियो P35। इसके बाद हम बात करते हैं इसके सिम कार्ड के वाले से, ये होगा हाइब्रिड सिम कार्ड विद नैनो सिम। उसके बाद अगर हम बात करें इसके स्क्रीन साइज की या डिस्प्ले की, वो होगा 6.5 इंच का डिस्प्ले। उसके बाद अगर हम बात करें इसके बैंड की तो ये होगा 5G बैंड। इनिशियली जो स्क्रीन होती थी वो होती थी LCD नॉन कैपेसिटेटिव, उसके बाद इसमें फर्दर एडवांसमेंट आई और वो होगी कैपेसिटेटिव टच स्क्रीन, और फर्दर इसमें LCD और LED में ये डिवाइड होगी। LCD जो न्यू जो अपडेट वर्जन है वो है IPS LCD। IPS LCD ऐसी है कि इसमें जो बिल्ट इन स्क्रीन नहीं होती, इसमें बैक एंड पे जो है वो लाइट होती है और ऊपर जो है वो शीट होती है। उसके बाद से अगर हम बात करें सुपर एमोलेड कैपेसिटिव टच स्क्रीन के वाले से तो ये जो स्क्रीन है ये इसमें बिल्ट इन जो स्क्रीन होती है और उसका जो कलर्स होते हैं वो बहुत ही क्लियर और बहुत ही ब्राइट कलर होते हैं। उसमें जो ब्राइटनेस होती है स्क्रीन की वो भी बहुत ज़बरदस्त होती है, और जो IPS LCD होती है उसका जो कलर होते हैं वो शार्पन कलर होते हैं। अगर हम कैमरे के वाले से बात करें तो कैमरा जो है वो है 48 मेगापिक्सल का, और जो फ्रंट कैमरा वो है 8 मेगापिक्सल का। अगर बैटरी के वाले से बात की जाए तो उसमें जो बैटरी है वो है 5000 mAh की, और फास्ट चार्जिंग है, और USB जो है इसकी वो है टाइप सी। अगर हम सेंसर के बारे से बात करें तो वो है साइड माउंटेड, मींस कि वो अंडर डिस्प्ले नहीं है या बैक एंड पे जो है वो सेंसर नहीं है, साइड पे इसका सेंसर लगा हुआ है। अगर हम मेमोरी के वाले से बात करें तो जो इसकी मेमोरी है वो है 64 GB, 128 GB, और जो रैम है इसकी वो है 6 GB की। उसके बाद हम बात करते हैं कार्ड स्लॉट की, इसमें है माइक्रो SD कार्ड अप टू 1 TB, और ये NFC है, मतलब आपके शेयरिंग वगैरह जो भी कॉन्टेक्ट्स वगैरह बाकी चीज़ें जो हैं वो आप शेयर कर सकते हैं। प्राइस की वजह से अगर बात की जाए तो वो है एक्सपेक्टेड है कि वो 200 यूरो से कम होगी। जो 5G नेटवर्क के वाले से अगर हम बात करें तो वो अभी स्पेसिफिक कंट्रीज में है, जैसे कि चाइना में, US में, इटली में, स्पेन में, ऑस्ट्रेलिया में, सऊदी अरब में, उसके बाद मजीद फ्रांस में, उसके अलावा साउथ कोरिया में, और अभी ये ओवरऑल जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड लॉन्च नहीं हुआ, और जिन कंट्री में लॉन्च हुआ उनमें भी स्पेसिफिक सिटीज में है वो लॉन्च हुआ है। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।